नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन कुछ खास खबरों के साथ। इजराइल ने वेस्ट बैंक की मस्जिद पर एयर स्ट्राइक की, सेना का दावा हमास ने मस्जिद को कमांड सेंटर बनाया, यहीं छिपकर हमले करते थे। हरियाणा में डिप्टी डायरेक्टर बने प्रोफेसरों को झटका, शिक्षा सदन छोड़ करना पड़ेगा मूल काम, नियुक्ति के लिए बनेगी एक्सपर्ट कमेटी। पानीपत में संदिग्ध हालत में सीए लापता, पत्नी बोली महिला वकील कर रही थी ब्लैकमेल, रेप केस की धमकी दे 1 करोड़ मांगे थे। डिप्टी सीएम सिंहदेव ने मांदर बचा कर किया नृत्य, बोले यह आयोजन बीजेपी नेता की देन, दशहरा महोत्सव की लोक नृत्य प्रतियोगिता में टीमों ने दी प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश में इस बार पहाड़ों जैसी पड़ेगी ठंड, माइनस में जा सकता है पारा, नवंबर के पहले हफ्ते से शुरुआत, 15 फरवरी तक जारी रहेगा सितम। करनाल में इस बार जलेगा आग उगलने वाला रावण, अग्निबाण से आंखों और मुंह से उठेंगी लपटे, बनेगा 60 फुट ऊंचा पुतला। हरियाणा में सीईटी एग्जाम का दूसरा दिन, 2 शिफ्ट में 6,87,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, पहले दिन 38% गैर हाजिर, 18 मुन्ना भाई काबू। मऊ दंगा गैंगरेप के सभी 15 आरोपी बरी, 18 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला, एडवोकेट बोले मुख्तार अंसारी ने फर्जी फंसाया था। डांडिया नाइट का ऐसा जादू, देर रात थिरकते रहे कदम, झांसी में बॉलीवुड सॉन्ग्स पर एक साथ खनके डांडिया, क्रेज ऐसा कि छोटा पड़ गया ग्राउंड। दिल्ली में होटल मालिक की हत्या, 8 साल के बेटे का भी गला काटा, सोते समय वार किया बेड पर, दोनों की खून से सनी लाश मिली। यदि आपको हमारी खबर अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए पाइनियर हरियाणा के साथ। नमस्कार।